जी अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसलिए बुलाई गई कि व्यापार जगत के ट्रेड और इंडस्ट्री के इतने ज़्यादा मुद्दे हो गए हैं कि हमारे बिजनेस हाउसेस बंद होने के कागार पे पहुंच गए हैं। मगर एक राष्ट्रीय सोच लेके जम्मू के लोगों ने ऐसी कोई भी मांग या आवाज़ या ऐसी हरकत नहीं की कि राष्ट्रीय हित में जो उसके खिलाफ जाए और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का अटेंशन डाइवर्ट हो, क्योंकि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रियासत में बनी हुई है उसे हम अहम समझते हैं। वो चाहे रियासत की बात हो चाहे हमारे हिंदुस्तान की बात हो, दोनों के लिए अहम है। मगर मैं मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चीज़ें रेसिप्रोकल होती हैं। अगर हम इस वक्त आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहे और इतने तादाद में लॉसेस सफ़र कर रहे हैं, चाहे हमारी वो होटल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टैक्सी यूनियंस, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हों, क्योंकि सब कुछ कोलैप्स कर चुका है, इस वक्त कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा, तो इंतज़ामिया को भी नहीं चाहिए कि ऐसे कुछ ऑर्डर्स पास करें जहां स्टेट होल्डर्स की उन्होंने सलाह ना ली हो और जिन्हों जायज़ ना हो। नाजायज़ ऑर्डर जब निकाले जाते हैं तो हमसे चुप नहीं रहा जाता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है जो रोड टैक्स वन टाइम जो सीधा जो 2% से कम था, अगर वॉल्यूम देखें 170 करोड़ पिछले साल टैक्स इकट्ठा किया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, वो सीधा 9% कर दिया गया, जो कि 900 करोड़ बनेगा इस साल में, क्योंकि ऑटो सेल्स हमारे जम्मू कश्मीर में मिला जुला के सबकी 10,000 करोड़ है। तो मुझे लगता है 170 से सीधा 900 करोड़ इतना बड़ा हाइक ना तो आम आदमी को हजम होगा ना व्यापार जगत को हजम होगा। मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को यह भी बता रहा हूँ कि ऑटो सेल्स 30% ड्रॉप ऑल ओवर इंडिया हुई, काफ़ी स्टील प्लांट्स शट हो गए, फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन में कटौती कर दी, काफ़ी दिन वो ब्रेक कर रहे हैं और कैजुअल जो लेबर होती है उनको उन्होंने निकाल दिया है जॉब से, तो एक रिपलिंग इफेक्ट होता है इसका। और अगर जम्मू को रास्ते जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू RTO में अगर आप जाएंगे ऑफिस में तो वहाँ भी आप देखेंगे कि ना के बराबर रजिस्ट्रेशन हुई है अगस्त में। तो हम ये कम्युनिकेशन ऑफिशियली भी गवर्नर महोदय को भेज रहे हैं और कंसर्न एडवाइज़र को, और हमारी ये अपील है कि इस ऑर्डर को इमीजिएटली विड्रॉ किया जाए, क्योंकि जो भी ऐसे मेजर ऑर्डर्स होते हैं एक तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है उससे पहले होना चाहिए, और दूसरा अगर आपको इसको बढ़ाना भी है, अगर 100% इंक्रीज भी करते हैं वो 4% से कम होगा, ये 9% नहीं होगा। इसमें दूसरी बात यह है कि जब भी लोग कोई गाड़ी लेते हैं, चाहे वो कमर्शियल है या घर के लिए लेते हैं, तो बैंक फाइनेंस जो होता है, सपोज 10 लाख की हम गाड़ी ले रहे हैं तो जो 90,000 ये टैक्स मांग रहे हैं वो बैंक फाइनेंस नहीं करता। तो एक ऐसा ऑर्डर हुआ है जिससे सबको डिस्करेज किया है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, हमारा ऑटो सेक्टर है, और चाहे आम नागरिक है, क्योंकि बेसिकली टैक्स उसी की जेब से जाना है। तो हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब को इमीडिएटली इंटरवीन करने के लिए और इस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए।